भारत नेपाल को जोड़ने वाला पिथौरागढ़ के पहले मोटर पुल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। यह भारत नेपाल के बीच काली नदी पर स्वीकृत 110 मीटर पुल बनाया जाएगा। इस पुल के निर्माण से जहां भारत और नेपाल के बीच आपसी संबंध और मजबूत होंगे, तो वहीं चीन सीमा से लगे क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच व्यवसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं पुल के शिलान्यास के दौरान उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि भारत नेपाल के बीच छारछुम में पुल बनने से दोनों देशों के बीच आवागमन सुगम और सरल हो जाएगा। इसके अलावा रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं ये पुल दोनों देशों के मैत्री के संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार ने इसी साल पुल को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही पुल की लंबाई 110 मीटर होगी। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। पुल बनेगा जिसके कारण से भारत और नेपाल के बीच आवागमन आना जाना बहुत आसान हो जाएगा, एकदम लोकल जैसा हो जाएगा। अभी यहां बता रहे थे मुझे कि इधर तो सारी जमीनें बिक गई हैं। नेपाल में जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो मैं बधाई देना चाहता हूं, जहां आप सब लोग को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए तो ये पुल बहुत महत्व का पुल है। आने वाले समय में जहां दोनों ही देशों में जहां व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेंगे, पर्यटन का व्यवसाय बढ़ेगा, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, वहीं नेपाल के लोगों को भी यह पुल अत्यधिक लाभ देने वाला होगा, उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगा। दूसरा पुल